आज जब मैं सुबह सुबह छत पर आया हूँ अपने परिंदों को दाना पानी डालने के लिए, तो सुबह ही सुबह दो चटके लगे, एक बजरी कॉलोनी में और एक मुर्गियों में। बजरी कॉलोनी में एक ठीक ठाक मेरा ब्रीडर मेल था, काफ़ी अच्छा था, वो मर गया। और मुर्गियों में जो है अटैक आया है बीमारी का। अब बीमारी का ये किसी और चीज़ की वजह से एक मुर्गी की दोनों टांगें जो हैं वो ख़त्म है, और एक मुर्गी एक टांग से जो है बहुत मुश्किल से चल रही है। दिखाता हूँ दोनों चीज़ें क्या वजह हो सकती है। मुझे तो इन दोनों चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बजरी कॉलोनी में बिल्कुल न्यू लगाई है, मटकियाँ भी ओके हैं सारी, हवा भी बिल्कुल ओके आती है, और बाकी सारे परिंदे जो हैं बिल्कुल ठीक है। यानी वेंटिलेशन भी ठीक है, खाने पीने में भी कोई मसला नहीं है, दाना भी मिक्स दे रहा हूँ मैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकी सारे होता है कुछ बीमारी है दोस्तों से। और मुर्गियों में भी ऐसा है कि रात तक बिल्कुल सब ठीक थी, और कोई बर्ड फ्लू का ऐसा सिम्टम भी नहीं है रानी खेत का। मगर उसके बावजूद अभी मैंने देखा है तो एक बजरी तोता मरा हुआ है। जैसे ही बजरी तोतों की तरफ से मैं उठा दाना पानी चेंज करे मुर्गियों की तरफ गया, तो मुर्गियों में भी इस तरह से एक मुर्गा और एक मुर्गी की हालत ख़राब है। दिखाता हूँ आपको मैं, तो न्यू कॉलोनी बजरी की एक ब्रीडर मेल और मरा पड़ा है। ये यानी कि तीसरा या चौथा पीस है, बिल्कुल बड़ा मेल था ब्रीडर ब्लू कलर का, और तीसरा या चौथा परिंदा है इस कॉलोनी का जो मरा है। वजह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस जगह में। पानी भी जो है डेली में चेंज करता हूँ, साफ सुथरा होता है, और इसलिए मैंने इसको ऊंची जगह पर रख दिया। नीचे मैंने इसकी कुछ चीज़ रखी ताकि पानी भी ऊपर रहे, जो भी दाने का छिलका वगैरह होता है वो पानी में ना जाए। बाकी सारे परिंदे बिल्कुल एक्टिव हैं और दाना मिक्स फीड मिल रहा है इनको। इसके अलावा हवा भी लगती है, धूप भी लगती है, तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस कॉलोनी में क्यों जो है परिंदे मर रहे हैं। मैंने फेसबुक में देखा है बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे परिंदे मर रहे हैं। एक तो बीमारी आई हुई है, हो सकता है इस वजह से जो परिंदे कमज़ोर है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या दूसरी वजह हो सकता है कि मटकियों की वजह से लड़ते हों। यह वजह भी हो सकती है बिल्कुल, कि मटकियों की वजह से लड़ते हैं जिस वजह से परिंदे मर रहे हैं। मैं आपको जो है पूरी कॉलोनी दिखाता हूँ, सारी मटकियाँ भी दिखा देता हूँ, और देखते हैं क्या वजह बन रही है। मैं अभी जो है इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। सॉरी, मैं बजरी तोते से हटा ही था, यानी कि मैं मुर्गियों की तरफ आया था इनको दाना वगैरह डालने के लिए, तो मैंने देखा ये मुर्गा ऐसे पड़ा हुआ है। एक्चुअली मुर्गा जिंदा है, मगर इसकी टांगें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, यानी कि टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही। बर्ड फ्लू हो सकता है, लेकिन बर्ड फ्लू की कोई और सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे मेरे को इसमें। बर्ड फ्लू में वैसे अटैक तो होता है टांगों पर, रानी खेत जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें जो है इसकी बीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और इसके वो नहीं लग रहा, लेसदार बीट होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, स्मेल भी नहीं है। इस मुर्गी को भी यही थोड़ा सा मसला हो रहा है, इसकी एक टांग में फ़र्क है, और ये वाली बिल्कुल ठीक है मुर्गी, लेकिन इसकी एक टांग में फ़र्क है, और इसकी जो है दोनों टांगें ख़त्म हो गई हैं। तो यानी कि अभी सुबह सुबह दो झटके लग चुके हैं।